Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर सीरीज 13 टेरर्स के एपिसोड 2 एंड 3 के बारे में. इन दो एपिसोड्स के फाइनल ट्विस्ट ही काफी इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है इम नाम के एक लड़की के साथ, जो डेस्परेटली अपने बेस्ट फ्रेंड जेन को कॉल कर रही थी बार बार लगातार, मगर जेन फोन नहीं उठाती. न जाने इम के साथ क्या हुआ था, वो बहुत घबराई हुई थी, डर और टेंशन में रो रही थी वो. फाइनली इम जेन को मैसेज भेजती है कि उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा. नेक्स्ट सीन में हम जेन को देखते हैं, वो टैक्सी पे है. पहले तो उसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दी, फाइनली जब दी भी तो इम का कॉल रिसीव करने से पहले उसका फोन ऑफ हो जाता है, चार्ज नहीं था उसके फोन में. जेन ड्राइवर के चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और जैसे ही फोन ऑन होता है उसे तुरंत मिस कॉल अलर्ट मिलता है. इम ने उसे 33 टाइम्स कॉल किया था. जेन उसे जल्दी से कॉल बैक करती है, लेकिन तब इम का फोन ऑफ आ रहा था. उसे इम का मैसेज भी मिलता है जिसका मतलब वो समझ नहीं पाती. इम बेसिकली काफी कूल लड़की है, वो ऐसी मैसेज क्यों करेगी. इसका पता लगाने के लिए जेन जाती है इम के घर. घर के बाहर से ही उसे खिड़की के पास कोई दिखता है. जेन को लगता है वो इम होगी, इसीलिए वो उसके तरफ देखकर वेव करती है, मगर इम कोई रिस्पॉन्स नहीं करती. जेन को बहुत अजीब लगता है, मगर घर के अंदर जाकर वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है. घर का माहौल काफी गंभीर था. इम के पेरेंट्स, उसके दादी सभी रो रहे थे और उनके बिल्कुल पास ही रखी थी इम की एक बड़ी सी तस्वीर. ये सब कुछ बस एक ही तरफ इशारा कर रहा था, इम मर चुकी है. उस मैसेज का मतलब भी शायद यही था. जेन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, अगर इम मर चुकी है तो खिड़की के पास उसने किसे देखा. खुद को संभालने के लिए वो वॉशरूम जा पहुंचती है और वहां से निकलते वक्त वो टकरा जाती है इम से. जेन तो डर ही जाती है, कहीं ये भूत तो नहीं. इम का चेहरा बिल्कुल सफेद था, एक्सप्रेशनलेस. वो उसे अपने कमरे में ले जाती है. जेन देखती है कमरे में चारों तरफ चीजें बिखरे पड़े थे और उसे वहां भी इम की एक बड़ी सी फोटो नजर आती है. फाइनली वो इम से ही पूछती है ये सब क्या हो रहा है. तब इम बताती है कि उनके किसी रिश्तेदार की मौत हुई है और इसीलिए सभी रो रहे हैं, और ये फोटोज उसके प्रोटेक्शन के लिए है. इम के माँ को लगता है ऐसे फोटो से इविल स्पिरिट्स को ट्रिक किया जा सकता है, जो इम को हानि पहुंचाने आएंगे. उन्हें इन फोटो से लगेगा कि उसकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है. इस बार जेन को हंसी आ जाती है, कौन से स्पिरिट इम को हार्म करेगी, ये सब क्या बोल रहे हैं वो. मगर इम मजाक नहीं कर रही थी. वो रोने लगती है और कहती है ये सब बॉल कर रहा है. बॉल उसका बॉयफ्रेंड है, था 4 साल का रिलेशनशिप था उनका, मगर कुछ दिन पहले इम को कोई और मिल गया तो उसने बॉल से ब्रेकअप कर ली. बॉल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, उसके घर भी आया, लेकिन इम उसे इग्नोर करती रही. फाइनली कल उसने कहा कि अगर इम उसके लाइफ में नहीं रही तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, सुसाइड कर लेगा वो. इम ने भी मजाक मजाक में कह दिया अच्छा ठीक है, मरने के बाद मुझसे मिलना, तब बात करेंगे. इसके बाद बॉल ने उसे एक पिक्चर भेजा जिसमें उसके गले में फांसी का फंदा था. इम ने उसे कॉल करने की कोशिश की मगर उसने फोन नहीं उठाया. सुबह इम को एक दूसरी फोटो मिली जिसमें बॉल लटक रहा था. इम घबरा जाती है और उसे मैसेज करती है मजाक मत करो. कुछ देर बाद बॉल के नंबर से उसे एक कॉल मिलता है. एक लेडी उसे इन्फॉर्म करती है कि कल रात बॉल ने सुसाइड कर ली है. इम बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. तब से अपने आसपास उसे बॉल की कांस्टेंट प्रेजेंस फील हो रही है. उसने अपना फोन, लैपटॉप सब बंद कर दिया है, फिर भी उसे बॉल की आवाज आ रही है. बॉल उसे बुला रहा है, उसके साथ ले जाना चाहता है वो. इसीलिए उसके माँ ने ये फोटो वाली अरेंजमेंट की है. मगर इस सब के बीच अचानक उनके रिलेटिव की मौत हो गई और अभी उसके पेरेंट्स को वहां उनके फ्यूनरल में जाना पड़ेगा. इम उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए जेन रह जाती है उसे कंपनी देने के लिए. इम बहुत रो रही थी, डरी हुई थी वो. रात में वो लोग एक साथ सो जाते हैं, मगर देर रात इम की नींद टूट जाती है. लैपटॉप से आवाज आ रही थी, वो देखती है उसका लैपटॉप ऑन हो चुका है. उसमें बॉल के मैसेजेस आ रही है कॉन्स्टेंटली, वो उसे साथ रहने के लिए बुला रहा है. इम डर से कांपने लग जाती है, जेन को बुलाती है, मगर जेन के गले में भी उसे वही फांसी का फंदा दिखता है. उधर बॉल उसे कॉल कर रहा था बार बार, साथ में एक वीडियो मैसेज भी भेजता है. इम जब उसे खोलती है तो उसे बॉल का सुसाइड देखने मिलता है. इम बहुत ज्यादा डर जाती है, उसने ऐसा तो नहीं चाहा, अब बॉल उसे जीने नहीं देगा. नेक्स्ट मॉर्निंग जेन की नींद टूटती है किसी की रोने की आवाज से.
लेकिन ये यिम नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी। वो लौट आई थी और वो वॉशरूम की तरफ देखकर जोर जोर से रो रही थी। जेन जब वहाँ देखती है उसे भी रोना आ जाता है क्योंकि वहाँ यिम की लाश पड़ी थी। उसने भी सुसाइड कर ली, बिल्कुल बॉल की तरह। यिम के पेरेंट्स उसके लाश को लेकर बाहर जाते हैं और कमरा खाली होते ही बॉल का कॉल फिर से आने लगता है, मगर जेन डरती नहीं, रिसीव करती है उस कॉल को और हम देखते हैं बॉल तो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है वो। अब खुलता है इस कहानी की असली ट्विस्ट। हमें पता चलता है बॉल कभी मरा ही नहीं, ये सब उसका नाटक था। उसे पता था यिम किसी और को डेट कर रही है मगर वो एडमिट नहीं कर रही, तो वो यिम को गिल्टी फील करवाना चाहता था, इसीलिए उसने सुसाइड का प्लान रचा। जेन को भी शामिल किया अपने प्लान में। जिस लेडी ने बॉल के फोन से यिम को कॉल करके बॉल के सुसाइड के बारे में इन्फॉर्म किया था वो और कोई नहीं, जेन ही थी। उसे हमेशा से पता था बॉल जिंदा है। वो अपने दोस्त को डराना नहीं चाहती थी मगर बॉल को भी मना नहीं कर पाई। उसने ही रात में उठकर यिम का लैपटॉप ऑन किया जिससे बॉल यिम को पूरी रात डिस्टर्ब कर पाए, एक्चुअली टॉर्चर कर पाए। उसके बाद उसने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाला और फिर सो गया। उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके इस गिल्टी फील करवाने के बेकार से प्रैंक के चक्कर में यिम पर क्या बीता। बॉल के लगातार कॉल्स और मैसेजेस से यिम खुद को संभाल नहीं पाई, उसने सुसाइड कर ली। अभी जाकर बॉल को अपने गलती का एहसास हो रहा है, क्या जरूरत थी उसे यह सब करने की। जेन खुद भी बहुत गिल्टी फील कर रही थी, यिम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने भी उसे धोखा दिया। लेकिन ठीक तभी बॉल का फोन बजने लगता है, उसे कॉल आता है यिम से। अब ये तो कोई प्रैंक नहीं हो सकता क्योंकि यिम का फोन जेन के पास था, उससे तो कोई कॉल नहीं जा रहा। डरे डरे बॉल उस कॉल को रिसीव करता है और जेन को स्क्रीन के उस पार बॉल के साथ यिम की आत्मा नजर आती है जो हाथ में फांसी का फंदा लेकर अपने प्रेमी को अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नेक्स्ट सीन में हमें जेन दिखती है, अभी उसकी हालत बिल्कुल यिम की तरह हो चुकी है। वो ऑनलाइन न्यूज पढ़ती है बॉल के सुसाइड के बारे में। ये कपल सुसाइड इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था मगर किसी को नहीं पता इसकी असली वजह क्या है, सच्चाई क्या है, सिर्फ जेन जानती है और शायद इसीलिए वो और ज्यादा डरी हुई है। उसे यिम कॉल कर रही है बार बार लगातार। फाइनली उसे एक वीडियो मैसेज भी मिलता है जिसमें यिम और बॉल दोनों की आत्मा दिखती है हाथ में फांसी का फंदा लेकर उसके लिए वेट करते हुए। एट द फाइनल सीन हम जेन को देखते हैं स्कूल में, वो जिंदा है मगर जिंदा लाश बन चुकी है। डर, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में सहम सी गई है वो, बिल्कुल यिम की ही तरह। अभी वो अपने साथ अपनी तस्वीर लेकर घूम रही है यिम और बॉल के आत्मा को ट्रिक करने के लिए, शायद वो उसे छोड़ दे। वैसे अगर उसे इन आत्माओं से मुक्ति मिल भी जाती है तब भी उसके अंदर के गिल्टी फीलिंग से तो उसे छुटकारा नहीं मिल सकता, आसानी से तो नहीं। तो ऐसे हालत में वो कब तक जिंदा रह पाएगी, इसका जवाब हमें नहीं मिल पाता क्योंकि यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी एपिसोड 3 की तरफ। इस कहानी का नाम है द कर्स। इस कहानी में हम 3 बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं, गेट, जो एंड एम। वो तीनों पार गए थे एक प्रोजेक्ट शूट करने के लिए। काम जल्दी खत्म हो जाता है, वो सभी बैठकर आपस में बात करने लगते हैं, हंसी मजाक चल रहा था। मगर अचानक जो मजाक में ही गेट का कुछ ज्यादा ही लेग पुल कर देता है। उसके चाइल्डहुड का एक एम्बैरेसिंग इंसिडेंट शेयर करता है, वो भी उस लड़की के सामने जिसे गेट मन ही मन पसंद करता है। नेचुरली उसे गुस्सा आ जाता है, वो जो को धक्का दे देता है और जो एक साइकिल के सामने आ जाता है। एक्सीडेंट बस होने ही वाला था कि जो खुद को संभाल लेता है मगर गुस्सा उसे भी आता है, तो वो गेट पर शाप दे देता है कि वो भी ऐसे किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल रैंडम वर्ड्स थे, जो ने कुछ भी मीन नहीं किया था मगर उनका ये पूरा झगड़ा गेट के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। सभी का मूड ऑफ हो चुका था, भले ही उनका इनिशियल प्लान एक ही फाइनल प्रोजेक्ट बनाने का था मगर गेट उन्हें प्रोजेक्ट के रॉ फुटेजेस भेज देता है जिससे जो अगर चाहे तो अलग प्रोजेक्ट बना सकता है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी के बेसिस पर उनके आने वाले ट्रिप का सिलेक्शन होगा। सभी स्टूडेंट्स इस ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड थे, गेट भी। फिर भी प्रोजेक्ट सबमिशन के दिन वो नहीं आता। जो उसे मैसेज करता है, गेट रिप्लाई भी करता है कि वो आ चुका है मगर क्लासरूम में तो वो कहीं नहीं दिख रहा था। उधर एट द सेम टाइम उनके टीचर को एक बैड न्यूज मिलती है जो वो क्लास में अनाउंस करती है, और न्यूज ये थी कि आज सुबह ही स्कूल आते वक्त गेट की मौत हो चुकी है, एक गाड़ी के नीचे आ गया था वो।
इमीडिएटली क्लास डिसमिस्ड हो जाता है। सभी अपसेट हो चुके थे, मगर ठीक उसके बाद ही अचानक से स्क्रीन पर एक वीडियो स्टार्ट होता है अपने आप, जिसमें पूरे क्लास गेट और जो का झगड़ा देख पाते हैं। सभी को पता चल जाता है कि जो ने ही गेट को शाप दिया था। Maybe it's a mere coincidence, मगर पूरे क्लास के सामने जो गुनहगार बन चुका था, और इसके बाद से ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। फ्यूनरल के दिन जो को नोटिफिकेशन मिलता है कि गेट ने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है और जो को टैग भी किया है। उसे अपने आसपास अजीब से आवाजें सुनाई देने लगती हैं और गेट उसे मैसेज भी करता है। जो को डर तो बहुत लग रहा था, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहता। फ्यूनरल खत्म करने के बाद इम अपने रास्ते चली जाती है और जो अपने रास्ते। मगर घर के सामने पहुंचते ही इम को अजीब सा फील होने लगता है। उसे गूज़बम्स आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो किसी का साया उस पर झपट पड़ता है। इम बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। उधर जो घर पहुंचकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ऐसा वो कभी नहीं करता। तो उसकी माँ आती है उससे बात करने। कहती है उसने जो को फ्यूनरल के वक्त कॉल किया था, फोन किसी और ने उठाया। जो को शायद पता था किसने उठाया होगा। वो अपने माँ से पूछता है किसी की डेथ विश करने पर क्या सच में ही उसकी मौत हो जाती है। उसे पता चलता है ऐसा विश करना भी पाप है। क्या पता कब कौन सी विश पूरी हो जाए। सच्चे दिल से दिया गया शाप बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। विक्टिम को बहुत ही भयानक मौत मिलती है, जिस वजह से उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती और वो बदला लेने के लिए तड़पती रहती है। ये सब सुनकर जो और ज्यादा डर जाता है और हमें उसके कमरे में गेट की आत्मा दिखती है। जो डिसाइड करता है कि वो जाकर गेट के आत्मा के शांति के लिए पूजा करेगा। वो एम को भी बुलाता है, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो जो अकेला ही जाता है, सारे रिचुअल्स पूरा करता है, होपफुली अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। मगर उसके निकलने के तुरंत बाद ही हम उस मॉन्क को किसी से कहते हुए सुनते हैं कि तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इस सबसे बेखबर जो स्कूल जा पहुंचता है। एम स्कूल भी नहीं आई थी, मगर बाकी के सभी मिलकर जो को अक्यूज करते हैं कि उसने गेट का प्रोफाइल हैक करके उसका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है। कोई भी जो के बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इसी बीच उसे एम की माँ कॉल करती है और पता चलता है एम हॉस्पिटलाइज्ड है। कल रात उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो शॉक में चली गई। बीच रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर गई थी वो। अगर उसके माँ को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद उसके ऊपर से भी कोई गाड़ी चला देता, उसे भी गेट की तरह बेमौत मरना पड़ता। जो समझ जाता है कि ये सब गेट ही कर रहा है। वो क्लासरूम में जा पहुंचता है तो उसे फिर से गेट मैसेज करता है। बस एक ही वर्ड, डाई। एक के बाद एक मैसेज आना बंद ही नहीं होता। उसके बाद क्लास के सारे कंप्यूटर्स पे वही वीडियो स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, इवन टीचर भी। सभी को लगता है कि ये जो का ही कोई गंदा मजाक है। सभी उस पर नाराज थे, मगर उसके कुछ दोस्त सच्चाई को जानते थे, इसीलिए वो सभी को संभाल लेते हैं। मगर जो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। घर में भी उसे गेट की आत्मा हॉन्ट कर रही थी, हमेशा उसके कान के पास डाई डाई कहकर चिल्ला रही थी। डर से जो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका सेंस लौटता है हॉस्पिटल में, मगर वहां भी उसे गेट से छुटकारा नहीं मिलता। गेट जैसे उसकी जान निकालने के लिए तैयार था। जो और एक बार बेहोश होने वाला था, मगर एम उसे संभाल लेती है। वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और वो कहती है अभी से गेट उन्हें और परेशान नहीं करेगा क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। एम जो को एक न्यूज दिखाती है जिससे हमें पता चलता है आज ही वो दिन है जिस दिन क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स ट्रिप पर निकलने वाले थे। जिस बस में वो लोग जाने वाले थे उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ है, मगर ड्राइवर को छोड़कर और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ क्योंकि बस में और कोई था ही नहीं। रिसेंट हादसों से सभी इतना ज्यादा डरे हुए थे कि स्कूल की तरफ से इस ट्रिप को कैंसिल किया गया था। खाली बस ही स्कूल से लौट रहा था। एम और जो समझ पाते हैं एम नहीं चाहता था कि उसके फ्रेंड्स को भी ऐसी मौत मिले, इसीलिए उसने उन्हें डराया, मौत के बारे में कहकर वार्न करने की कोशिश भी किया जो को, मगर जो समझ नहीं पाया। उसका समय खत्म हो चुका था इसीलिए उसे मरना पड़ा, मगर उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो इनका दोस्त जो था, उस मॉन्क को पता था गेट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मगर उन्हें लगा कर्मा के बीच आना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने गेट को रोकना चाहा। मगर गेट ने उनके नहीं, अपने दिल की बात सुनी और सारे दोस्तों को बचा लिया। द एंड। दोस्तों ये कहानी काफी सिंपल है, स्टिल इट्स क्वाइट हार्ट वार्मिंग, है ना।
दोस्तों मैंने इससे पहले भी इसी सीरीज का एपिसोड 5 एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप देखना चाहो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।